दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में नारियल तेल को कैसे बनाते हैं और क्या नारियल तेल को चिपचिपा बनाने के लिए इसमें पाम ऑयल को मिलाया जाता है और क्या आपको पता है फैक्ट्री में नारियल से तेल को कैसे निकाला जाता है और कैसे फैक्ट्री में नारियल के छिलकों से रस्सी को बनाया जाता है। दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी नारियल तेल का इस्तेमाल तो जरूर किया ही होगा। दोस्तों आज के समय में लगभग हर घर में नारियल तेल का इस्तेमाल होता है और आपने भी कभी ना कभी तो नारियल तेल का इस्तेमाल जरूर किया ही होगा और शायद अब भी करते होंगे। ये ऑयल मिनरल्स से भरपूर होता है और इसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए और बालों पे लगाने के लिए भी होता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले नारियल के पेड़ों से कच्चे फलों को तोड़ा जाता है। पेड़ों से तोड़कर इकट्ठा करके फैक्ट्रियों तक भेजा जाता है, लेकिन जब ये फैक्ट्री में जाते हैं तो उन्हें सीधे इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर इन नारियल को सुखाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हटा दिया जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे फेंका नहीं जाता है, बल्कि इसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी कि इसे बाद में रस्सियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब इन नारियल का पानी निकाल कर इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब इन नारियल का जो भी खोल होता है, यानी कि इनका जो सख्त भाग होता है, उसे निकाल कर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ वर्कर्स इन साबुत नारियल को छील कर इन्हें टकला कर देते हैं और अब इन नारियल के व्हाइट पीसेस को तीन अलग अलग यूनिट पर धोया जाता है, जिससे कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना रह पाए। इसके बाद इन नारियल के पीसेस को एक ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है और जो इसे पीस कर गीले पेस्ट में बदल देता है। और अभी यहाँ इस गीले पाउडर को कंप्रेस करके सबसे पहले इसका दूध निकाला जाएगा और फिर इसे पेस्चराइज करके इसमें से शुद्ध तेल निकाल दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को पूरी हो जाने के बाद आखिर में बारी आती है इसे पैक करने की, और ये काम भी मशीनों के द्वारा ही होता है। जहाँ कुछ ऑटोमेटिक मशीन इन डिब्बों में कोकोनट ऑयल पैक कर देती है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से फैक्ट्री में ये कोकोनट ऑयल बनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये नारियल तेल हमारी स्किन और हेयर के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। जैसे कि ये नारियल तेल बाल को लंबा, घना और चमकदार बनाने में मददगार साबित होता है। और इस नारियल तेल से सिरके से 5 मिनट मसाज करने से ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बल्कि ये बालों के खो चुके पोर्शन की भी भरपाई करता है। और हर दिन नारियल तेल से मसाज करने से डैंड्रफ जैसी समस्याएं नहीं होती है। ऐसे ही रात में सोने से पहले नारियल का गर्म तेल अपने हाथों में ले और इससे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से स्किन चमकदार और मुलायम रहती है, साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं।